इसी साल अशोक विजयदशमी को 5 अक्टूबर 2022 को डॉक्टर अंबेडकर भवन रानी झांसी रोड करोल बाग, जो बाबा साहब ने अपने अकाउंट से चेक काट के खरीदा था, उसी जगह पर, उस पवित्र भूमि पर इस बार 5 अक्टूबर को दीक्षा दिवस के दिन 10 करोड़ से ज़्यादा लोग अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत में वापस आएंगे। नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, अभी लगभग 1.25 साल पहले 14 अक्टूबर को मैं नागपुर गया था, और नागपुर में दीक्षा भूमि जब मैं गया कोविड के दौरान, तो मैं बाबा साहेब की मूर्ति की तरफ देख रहा था, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ, मतलब मेरा दिल मेरे से ही बात कर रहा था, मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ये मुझे ये कह रहे हैं कि मैं हजारों साल की गुलामी से अपने समाज को बाहर निकाल के लाया, चार बच्चों ने मेरी जान गंवा दी, और कितनी मुसीबतों के बाद इस कारवां को यहाँ तक लेकर आया, और ये मुझे समझ आ गया था कि जाति की वजह से जातिगत उत्पीड़न है, और यहाँ काफ़ी प्रयास करने के बाद भी मैं जातिवाद को ख़त्म करने में सफल नहीं हो पाया। तो अगर अपने लोगों को जातिगत उत्पीड़न से बचाना है तो हमें अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत में बुद्ध के धम्म में आना होगा। और उसी के साथ संकल्प के साथ उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। लेकिन मैं तो 1 महीना 22 दिन बाद निर्वाण प्राप्त हो गया। मेरे बाद तुम लोग जो मैंने जो बाहर गुलामी से निकाला, आपको अच्छे अच्छे पदों तक पहुंचाया, आपके पढ़ने के रास्ते खोले, आपके नौकरी के रास्ते खोले, आपके MP MLA मंत्री बनने के रास्ते खोले, क्या तुम सारे गद्दार साबित हुए? क्या तुम मेरा ये सपना कि हमारे देश से जाति के नाम पे जो उत्पीड़न ये ख़त्म हो और एक प्रबुद्ध भारत बने, बौद्धमय भारत बने, जहाँ सबके लिए समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय हो, सबके लिए प्रज्ञा हो, सबके लिए सील हो, करुणा हो, क्या ये जो मेरा सपना था भारत को बौद्ध में बनाने का, क्या तुम मेरी इतनी नकारा और निकम्मी औलाद हो कि मेरा सपना पूरा नहीं कर सकते? मतलब ये मैं खुद बाबा साहब की देखते हुए ऐसा फील कर रहा था कि जैसे शायद वो मेरे से ये कह रहे हैं। मैं वहाँ से बाहर निकला, बाहर कुछ मीडिया के साथ ही खड़े थे, तो मैंने उनके सामने यही बात बोल दी, और मैंने कहा कि 2025 तक हम 10 करोड़ अपने लोगों को, अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत में, बुद्ध के धम्म में वापस लेकर आएंगे। वापस जब मैं दिल्ली आया तो हम लोगों ने मिशन जय भीम जो हम लोगों ने बनाया था, उसको बने कुछ महीने हुए थे, उसमें अपने सारे साथियों के साथ इस पर चर्चा की, फिर जो अलग अलग प्रदेशों के प्रतिनिधि हैं हमारे उनसे चर्चा की। चर्चा करने के बाद फिर ये तय हुआ कि एक साथ 10 करोड़ बनाना, तो अनुभव कैसे होगा कि सफल होंगे असफल होंगे। फिर हमने इसको कहा कि इसका एक तरीका है, हम इसको चरणबद्ध करते हैं। हमने उसको 4 चरणों में बांटा कि हम 4 चरणों में दीक्षा का प्रोग्राम आयोजित करेंगे। पहला चरण इसी साल अशोक विजयदशमी को 5 अक्टूबर 2022 को डॉक्टर अंबेडकर भवन रानी झांसी रोड करोल बाग, जो बाबा साहब ने अपने अकाउंट से चेक काट के खरीदा था, उसी जगह पर, उस पवित्र भूमि पर इस बार 5 अक्टूबर को दीक्षा दिवस के दिन 10 करोड़ से ज़्यादा लोग अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत में वापस आएंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि आप धर्म परिवर्तन करवा रहे हो, तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ, मैं धर्म परिवर्तन के बेहद खिलाफ हूँ। हम कोई धर्म परिवर्तन नहीं करवा रहे, हम सिर्फ ये लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जिस तरह घर से कोई आदमी निकलता है और वो दूर चला जाता है, और मान लो उसकी याददाश्त खो जाए, वो रास्ता भटक जाए, जब उसकी याददाश्त वापस आ जाती है, उसे अपने घर का रास्ता वापस याद आ जाता है, तो वो वापस अपने घर ही तो आता है फिर। तो उसी प्रकार हमारे पूर्वज बौद्ध थे, हमारी बुद्धिस्ट संस्कृति भारत से गई, पूरी दुनिया ने स्वीकार किया। आज हमें जब ये एहसास हो गया अपना इतिहास पढ़ने के बाद कि हमारा इतना गौरवशाली इतिहास है, हमारे पूर्वज बौद्ध थे, तो आज हम अपने लोगों को, अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत के बारे में, अपने बुजुर्गों के इतिहास के बारे में बता रहे हैं, तो पूरा समाज तैयार हो रहा है कि हम वापस अपने घर में आएंगे, अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत में, बुद्ध के धम्म में वापस आएंगे। तो ये जो दीक्षा का प्रोग्राम है, ये बेसिकली अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत को संजोने, संवारने का, अपने समाज को वापस दीक्षित करने का ये पर्व है।
इस साल 5 अक्टूबर को 10,000 का लक्ष्य रखा था, लेकिन जैसे जैसे मैंने देखा पूरे देश में जो मिशन जय भीम के लोग और बाकी भी हमारे समाज के लोग, अलग अलग संगठनों के लोग भी कोशिश कर रहे हैं, उस कोशिश से वो 10,000 जो हमने तय किया था वही कम से कम 30-40 हज़ार पे तो अभी तक पहुंच चुका है जो लोग रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। गुजरात में बहुत बड़े पैमाने पे लोग दीक्षा का आयोजन कर रहे हैं। हर साल वैसे तो अशोक विजयदशमी पे दीक्षा का आयोजन होता है, भारतीय बौद्ध महासभा हर साल करती है, और भी संगठन करते हैं, लेकिन इस बार अकेले गुजरात में ही 10,000 से ज़्यादा लोग कर रहे हैं, यूपी के अंदर 10,000 से ज़्यादा लोग कर रहे हैं, दिल्ली के अंदर 10,000 से ज़्यादा लोग कर रहे हैं, बिहार में कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में कर रहे हैं, महाराष्ट्र में कर रहे हैं। तो लोग जैसे जैसे लोगों को अपने बुजुर्गों के इतिहास के बारे में पता चल रहा है, वैसे वैसे लोग वापस, क्योंकि सब देख रहे हैं कि ये जाति की वजह से हमारे साथ जातिगत उत्पीड़न है। आए दिन मूछ रखने पर हत्या हो रही है, घड़े छू लेने मात्र पर हत्या हो रही है, घोड़ी पे बारात निकालने पे हमला हो रहा है, सोको लपर कास्ट के लड़की से शादी कर ली तो मार दिया, भी उत्तराखंड की घटना है। तो इस तरह की जो घटनाएं ये हमें शर्मसार करती हैं, इससे दुख पैदा होता है। इसी वजह से हमने सोचा कि फिर अगर जाति में बने रह के जातिगत उत्पीड़न बना रहेगा तो फिर हम इससे बाहर निकल आते हैं, हम अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत में बुद्ध के धम्मे वापस आते हैं। इसी संकल्प के साथ हमने इसको 4 चरण में बांटा। इस साल 5 अक्टूबर अशोक विजयदशमी 10वीं 2022, जिसमें 10,000 तय किए थे लेकिन संख्या काफ़ी ज़्यादा जा रही है। अगले साल अशोक विजयदशमी 2023 को 1,00,000 लोग दीक्षा लेंगे, उससे अगले साल अशोक विजयदशमी 2024 को 10,00,000 लोग दीक्षा लेंगे, और उसके अगले साल जो हमारा जो टारगेट है 2025 में 10 करोड़ लोग दीक्षा लेंगे। इसकी तैयारी में हम सब लोग लगे हैं, समाज के जो बाबा साहेब से प्यार करते हैं, जो अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत को बचाना चाहते हैं, हम उन सब का आह्वान करते हैं, आप आइए और अपने समाज को, अपने बच्चों के भविष्य के लिए, क्योंकि गुलामी फिर से हमारी तरफ बढ़ रही है तेज़ी से, गुलाम दोबारा बच्चे हमारे गुलाम ना बन जाए, क्योंकि पढ़ाई इतनी महंगी कर दी हमसे फिर छिन जाए, हमारे बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे भविष्य में, और रिजर्वेशन लगभग ख़त्म हो गया, नौकरियां हैं नहीं। तो एक तरीके से देखा जाए तो हमारे लोगों को फिर से गुलाम बनाने की जो साजिश है, हम उस साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे, और उसको फेल करने का एक ही तरीका है कि हम लोग ऐसी संस्कृति को, ऐसी सभ्यता को, ये ऐसे सामाजिक व्यवस्था को मजबूत क्यों करें जिसमें जाति पूछ के हमारी हत्या होती हो, जिसमें हमारे साथ जाति का उत्पीड़न होता हो, जिसमें हमारे आगे बढ़ने के अवसर ना हो, जिसमें हमारे लिए कोई सम्मान ना हो, जिसमें हमारे स्वाभिमान पर बार बार हमले होते हों। तो ऐसी व्यवस्था को छोड़ के हम समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित, प्रज्ञा पर आधारित, सील पर आधारित व्यवस्था में वापस जाने का संकल्प हमने किया है। तो मैं तो आह्वान करता हूँ आप लोग भी कवरेज करिएगा 5 अक्टूबर को अंबेडकर भवन के प्रोग्राम में आके, वैसे पूरे देश में प्रोग्राम है मुझे पता, आप लोग भी लगभग सभी जगह कवर करेंगे, लेकिन मैं उसके लिए आपको आमंत्रित करता हूँ, और मैं